युगों पहले की बात है, जिस जगह आप आज मौजूद हैं, जहां खूबसूरत शहर जम्मू बसा हुआ है और जहां आज यहां थी तो बस हरी भरी पहाड़ियां और मैं यानी सूर्यपुत्री। कौन सूर्यपुत्री? वही जिसे आप सब तवी नदी के नाम से जानते हैं। मेरा जन्म हुआ कपलाश कुंड से, जिसमें सदा चमकते सूर्य को लोग मेरा पिता कहते। वही मुझे अपनी राजधानी बनानी चाहिए, तभी तो इस प्रदेश के हर निवासी को बराबर का इंसाफ, बराबर की हिस्सेदारी और बराबर का दर्जा मिल सकेगा। इसके प्यार का संदेश दूर दूर तक फैलने लगा। वैसे इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के दिनों से ही ये इलाका बसा हुआ था, जिसके निशान आज भी मांडा और अखनूर में मौजूद हैं। धीरे इतिहास बताते जम्मू भी पंजाब केसरी महाराजा रणजीत सिंह के राज्य का हिस्सा बन गया।
पर डोगरा राजपूत राजा रणजीत देव की चौथी पीढ़ी से जमींदार किशोर सिंह की बहादुरी और ईमानदारी को देखते हुए रणजीत सिंह ने किशोर सिंह को जन्म राज्य की बागडोर सौंप दी। किशोर सिंह के बेटे गुलाब सिंह तो पिता से भी और आगे थे। उन्होंने किश्तवाड़ और राजौरी जैसे उत्तर पश्चिमी सीमा पर नए इलाके सिख साम्राज्य में शामिल किए। गुलाब सिंह ने वीर हरि सिंह नलवा के साथ मिलकर सिख साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा पर पठानों की फौज को भी खदेड़ कर भगाया। साथ ही बहादुर डोगरा सिपाहियों ने गुलाब सिंह की सहायता से राज्य की सीमाओं को लद्दाख और तिब्बत तक बढ़ा दिया। लद्दाख और तिब्बत की इन मुहिमों की अगुवाई की थी कहलूरिया राजपूत सदर सालार जोरावर सिंह ने। उनकी बहादुरी और ईमानदारी के किस्से इतने मशहूर हैं कि लोग उन्हें तीन सोने के तार से पढ़े पश्मीनी शाल, 12 पश्मीना भेड़े और 75 लाख रुपए नकद का नजराना ईस्ट इंडिया कंपनी को देकर राजा गुलाब सिंह ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अपनी खुद मुख्तारी में ले लिया और वो रियासत जम्मू कश्मीर के पहले महाराजा बने। महाराजा गुलाब सिंह के बाद उनके प्रतिभाशाली बेटे रणवीर सिंह ने जो एक बहादुर इस प्रदेश के डोगरों पीर पंजाल से शिवालिक तक विचरण करते गुज्जर बकरवालों तमाम दस्तकारों अनेकों पंडितों और विद्वानों गायकों लोक नाटक के साधकों तथा मिनिएचर पेंटिंग करने वाले चित्रकारों के चलते जम्मू एक मजबूत और अलग बहुसंस्कृति एवं संस्कारों का गढ़ बन गया। जहाँ कहीं गद्दियों गुज्जरों की बांसुरी की धुनें तो कहीं जोगियों की कारकों और बाएं तो कहीं पुर तो कहीं घुम्मणियों कहीं औरतों का जागरण और कहीं हिरण और भक्तों जैसे कहानी कहते रंग नाट्य रूप मिलने लगे।